नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 7 बालक का स्वप्न की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न। बच्चों आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इस प्रकार के शब्द सोचे और लिखें। किस प्रकार के? इस प्रकार के सूझबूझ, जैसे हमें और शब्द सोचने हैं, सोचकर लिखने हैं। तो बच्चों अगर हम सूझबूझ जैसे शब्दों को सोचें तो हमारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, आसपास, यह भी सूझबूझ जैसा ही है ना। काम धाम, सुख दुख, तन मन, बच्चों ये सब सूझबूझ जैसे शब्द हैं। आपको क्या करना है, आपके आसपास बोले जाने वाले ऐसे और भी शब्दों को लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं? नहीं तो क्यों? बच्चों यह प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उस बालक जैसा स्वप्न आपको आता तो आप क्या करते, अपना सपना किसी को बताते कि नहीं बताते, अगर बताते तो क्या होता, अगर नहीं बताते तो क्यों नहीं बताते। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर, यदि ऐसा सपना हमको आया होता तो ऐसा सपना हम जब तक किसी को नहीं बताते जब तक वह वास्तविक रूप में घटित ना हो जाए। सपना पूरा होने के बाद ही हम इस बारे में सबको बताते। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ 7 बालक के स्वप्न के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।